हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। होप आपने प्रीवियस सीरीज़ को देखा होगा जिसमें हमने पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिड सॉल्यूशन चेक किया है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस की। मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस के अंदर आपके पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेट अस अंडरस्टैंड। सपोज कीजिए आपके पास एक एसिड दिया हो और आपने उसे मिक्स कर दिया हो बेस से। जब आप ये दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी इस तरीके से हो सकती है कि पहले तो हमने एसिड और बेस को डिफरेंट प्रोपोर्शन के अंदर लिया है। तो सपोज दे आर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, और डिफरेंट प्रोपोर्शन से मेरा मतलब ये है कि इनमें से कोई एक जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा जो जल्दी खत्म हो जाएगा रिएक्शन में, और दूसरा वाला जो है वो बच जाएगा। सेकेंड केस ऐसा हो सकता है जिसके अंदर हम बात कर ले दे आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, अगर आप एसिड को और बेस को इन डिफरेंट प्रोपोर्शन लेते हैं, जिसका मतलब इनमें से कोई एक जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपका सॉल्यूशन या तो एसिडिक हो सकता है या तो आपका सॉल्यूशन बेसिक हो सकता है। और तीसरा केस जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि वो इक्वल इन प्रोपोर्शन होगा, तो आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा इट विल कंटेन सॉल्ट, और इस सॉल्ट के अंदर हम सीखने वाले हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में। ठीक है, तो प्राइमली अभी तो हम ये दो चीजें सीखेंगे कि सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक कैसे होगा। लेट अस से आपने क्या किया, एक एसिड ले लिया, एसिड के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं एच ए, और आपने उसे मिक्स कर लिया बेस के साथ, तो उसे हम ले लेते हैं BOH। आपका जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है दैट इज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो एक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि एक तो एसिड बन जाएगा, लेट अस से BA जो है वो एसिड फॉर्म हो गया, और आपके पास क्या फॉर्म होने वाला है, वाटर। ठीक है, तो अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं तो ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन होगा, दिस इज एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें आपके पास सॉल्ट बन रहा है और प्लस आपके पास क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है। यही सॉल्ट अगर फर्दर जाकर स्प्लिट हो जाए तो सॉल्ट स्प्लिट हो सकता है इस डायरेक्शन में, इस तरीके से बी प्लस फॉर्म हो सकता है और ए माइनस आ सकता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ए जो है वो आपके पास एसिड से आया है, तो ए तो एच प्लस होता है, तो ए जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस। वैसे ही अगर आप बेस की बात कर लें बी ओ एच, तो ओ एच पे क्या साइन होती है, माइनस, इसका मतलब बी पे जो है वो क्या साइन हो जाएगी, प्लस। फर्दर लेट अस से ये वाला जो आपका कैटायन है वो वाटर के साथ रिएक्ट हो जाए, तो जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो आपका जो सॉल्यूशन है इट विल कंटेन बी ओ एच एन प्लस एच प्लस आयन। ठीक है, कौन रिएक्ट कर गया, कैटायन, इसलिए कहता है कहलाता है कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और आपका जो सॉल्यूशन है इट विल प्राइमली कंटेन व्हाट, एच प्लस, और अगर वो एच प्लस को कंटेन करता है तो देयरफॉर सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। ये आपका फर्स्ट केस है जो हमने यहां पर डिस्कस किया कि हमारा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एसिडिक हो सकता है। कब एसिडिक हो जाएगा, जब आपका पॉजिटिव पार्ट दैट इज कैटायन जो है वो किसके साथ रिएक्ट हो जाए, वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्ट होने वाले रिएक्शंस को ही हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस, जिसके अंदर वाटर जो है वो डिसॉल्व भी कर रहा है और साथ ही में वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ये पहला केस आपके पास हो सकता है। वैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बेसिक फॉर्म हो सकता है, तो बेसिक के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पॉजिटिव पार्ट को वाटर के साथ रिएक्ट करके शो किया है, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव पार्ट को ले सकते हैं। इसका मतलब सेकेंड केस के लिए मैं ये बता सकता हूं कि आपका जो एनायन है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाए, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए। अगर एनायन वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है तो आपके पास जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें एच आ जाएगा और प्लस OH फॉर्म हो जाएगा, बिकॉज यहां पर नेगेटिव पार्ट रिएक्ट कर रहा है दैट इज एनायन, इसलिए कहलाएगा एन आयनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सॉल्यूशन जो फाइनली क्या कंटेन करेगा, OH माइनस, इसका मतलब सॉल्यूशन जो है विल बी बेसिक। होप आपको ये आइडिया क्लियर हो गया।
तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने एसिड और बेस को डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिक्स किया है तो आपका सोल्यूशन या तो एसिडिक हो सकता है या तो कैसा हो सकता है, बेसिक। और उसका प्रूफ क्या हो गया, हमने ये दो रिएक्शन समझ लिए, ठीक है। अब किस तरीके से इसके पीएच को कैलकुलेट किया जाए, तो सिंपल तरीका है, ठीक है, मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आपने सबसे पहले तो आप ये कंसीडर कर लीजिए, लेट ए बी मिलीमोल्स ऑफ एसिड, एसिड के मिलीमोल्स को हम क्या ले लेते हैं, ए, और बी आप कंसीडर कर लीजिए मिलीमोल्स ऑफ बेस, ठीक है। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करना है, आपको इसके मोलार कंसेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देना है गिवन वॉल्यूम से। वैसे अगर मुझे मिलीमोल्स ऑफ बेस फाइंड करना है तो मैं उसके मोलार कंसेंट्रेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, वॉल्यूम से। तो मेरे पास किसका वैल्यू आ जाएगा, मिलीमोल्स का, एसिड के और बेस के। इसमें आप दो केसेस बना लें, केस वन आप ऐसे ले लें कि आपके पास एसिड के मिलीमोल्स किससे ज़्यादा हैं, बेस के। अगर एसिड के मिलीमोल बेस से ज़्यादा हैं, इसका मतलब बेस जो है वो हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और अगर बेस लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है, इसलिए सोल्यूशन जो है वो कैसा होगा, सोल्यूशन हो जाएगा एसिडिक। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन विल बी एसिडिक। अगर सोल्यूशन एसिडिक है, इसका पीएच जो है उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एच प्लस का कंसेंट्रेशन, और एच प्लस के कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन वी वन प्लस वी टू। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे व्हाट इज कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। अगर आपके पास H प्लस आ जाए तो OH माइनस का फॉर्मूला आपको पता ही है। OH माइनस के कंसेंट्रेशन को हमेशा हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, KW को किससे डिवाइड कर देंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस से। तो इस तरीके से मैं किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन का pH कैलकुलेट कर सकता हूँ। वंस आई हैव द वैल्यू फॉर कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस तो pH निकालना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा केस आपके पास ये बन सकता है, केस टू, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि मिलीमोल्स ऑफ बेस इज मोर देन मिलीमोल्स ऑफ एसिड। अगर ये केस बन जाए तो अब हम सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशन विल बी यहां पर क्या था, एसिडिक था, तो ये वाला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक, पहली बात। आप यहां पर आप H प्लस नहीं कैलकुलेट करेंगे, आप क्या कैलकुलेट करेंगे, OH माइनस, और OH माइनस को फाइंड करने के लिए हम यहां पर क्या कर देंगे, हम यहां पर B माइनस A अपॉन वी वन प्लस वी टू ले लेंगे। क्या सबको क्लियर बात समझ में आ गई, फर्स्ट केस के अंदर जब आपने नोटिस किया था तो A ज्यादा था तो हमने A माइनस भी किया था, अब क्या ज्यादा हो जाएगा, B, तो हम क्या माइनस कर देंगे, B माइनस, इससे आपके पास क्या आ गया, OH माइनस का कंसेंट्रेशन। अगर मुझे H प्लस का कंसेंट्रेशन चाहिए तो आप लिख सकते हैं इट इज के डब्ल्यू अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे किसी भी सॉल्यूशन का pH अगर वो डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिक्स होगा, और साथ ही में आप जब क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो आपके पास वहां पर मेंशन होगा कि आपने एक स्ट्रांग एसिड को या स्ट्रांग बेस को या एसिड और बेस को क्या किया है, मिक्स किया है। तो इस तरीके से आप उसके पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। आपका क्वेश्चन है 200 ml ऑफ 0.1 मोलार HCl इज मिक्स्ड विद 300 ml ऑफ 0.1 मोलार NaOH। कैलकुलेट आपको क्या करना है, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपका सॉल्यूशन जो है वो यहीं से समझ में आ गया है कि एसिड और बेस को क्या किया है, मिक्स किया है। और जब भी एसिड और बेसिस मिक्स होंगे तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मिलीमोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मैं गिवन डेटा लिख लेता हूँ, दैट इज फॉर एसिड। एसिड के लिए आपके पास उसका जो मोलार कंसेंट्रेशन दिया है दैट इज 0.1, वॉल्यूम आपके पास जो गिवन है दैट इज 200 ml। बेस की अगर हम बात कर लें तो बेस में आपके पास क्या गिवन है, M2, दैट इज मोलार कंसेंट्रेशन, दैट इज अगेन 0.1 मोलार NaOH, और वॉल्यूम आपके पास गिवन है दैट इज इक्वल टू 300 ml। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मिलीमोल्स ऑफ एसिड फाइंड कर लेते हैं, जिसको मैंने किससे बताया, ए से। तो अगर आप उसे निकालें तो आपको क्या करना है, सिंपल M1 इंटू V1 मल्टीप्लाई करना है। M1 का वैल्यू 0.1 है, आप मल्टीप्लाई कर दें 20 से, 200 से, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। वैसे ही आप B कैलकुलेट कर लें, दैट इज अगेन M2 इंटू V2।
एम टू जो 0.1 है मल्टीप्लाई हो जाएगा 300 से, और मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू कितना हो गया 30. दोनों को अगर आप कंपेयर कर ले तो किसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, बी का. तो देयर फॉर बी इज़ ग्रेटर देन ए. अगर बी ए से ज़्यादा आ जाता है इसका मतलब किसके मिलीमोल ज़्यादा है, बेस के. और अगर बेस के मिलीमोल ज़्यादा है तो देयर फॉर सोल्यूशन इज बेसिक. सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा ए. अगर सोल्यूशन बेसिक है तो हम पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, ओ एच माइनस का कंसेंट्रेशन. और ओ एच माइनस के कंसेंट्रेशन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन वी वन प्लस वी टू. अगर आप बी का वैल्यू देखें दैट इज 30, और ए का वैल्यू कितना है, इट इज 20. तो ये हो गया 30 माइनस क्या आ गया 20 अपॉन वी वन प्लस वी टू. तो वी वन का वैल्यू 200 और ये कितना हो गया आपके पास 300. तो इट इज 200 प्लस इट इज 300. ये ऐड करने पे आपके पास ऊपर 10 आ गया और नीचे आपके पास क्या आ गया 500. अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिस इज सेम एज ये हो जाएगा 20 अपॉन 1000, जिसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ये किसका वैल्यू हो गया आपके पास, दिस इज वैल्यू फॉर कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस. और अगर आपको सिंप्लीफाई करना है आप इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 2. ये किसका वैल्यू हो गया आपके पास, कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस का. जैसे ही आपके पास ओ एच का वैल्यू आ जाता है आप पी ओ एच कैलकुलेट कर लें. पी ओ एच क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस लॉग ऑफ 2, और 2 माइनस लॉग ऑफ 2 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 0.3. जैसे आप माइनस करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 1.7. एंड देयरफॉर अगर मुझे पी एच कैलकुलेट करना है तो दैट इज इक्वल टू 14 माइनस पी ओ एच. तो पी ओ एच का वैल्यू आपके पास आएगा 14 माइनस 1.7. अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लें तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास ये वैल्यू हो जाएगा 11.3. होप ये आइडिया क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट केस आपके पास है, इफ एसिड एंड बेसिस आर मिक्स्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन, एसिड प्लस बेस. बट अब की बार जो आपका प्रोपोर्शन होगा दैट विल बी इक्वल. अब इक्वल प्रोपोर्शन से मेरा क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट होंगे, दोनों ही रिएक्ट होंगे और साथ ही में खत्म हो जाएंगे. ठीक है, तो इसे कहा जाता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. इसे हम कहेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. तो आपके पास रिएक्शन होने पे एक सॉल्ट बनेगा और वो सॉल्ट फर्दर जाकर पानी के साथ रिएक्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. जैसे आप एक एग्जांपल ले लें कि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर दिया है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ. स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए मैं कंसिडर कर लेता हूँ HCl और बेस के लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं NaOH. तो जो रिएक्शन आप देखेंगे यहाँ पे, तो पहली चीज़ आपके पास फॉर्म होगी दैट इज Cl, और प्लस हमारे पास क्या फॉर्म हो गया H2. अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस रिएक्शन को देख रहे हैं तो ये रिएक्शन क्या होगा, ये रिएक्शन होगा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन. और अगर आप इसके लिए कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट होगा कांस्टेंट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन. इसी रिएक्शन को आप अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में देखने पे आपको ये समझ में आएगा कि सॉल्ट जो है वो पानी के साथ क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है. इसका मतलब ये केस कौन सा हो जाएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का. और आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जब आते हैं तो हम लिख सकते हैं इसके लिए जो वैल्यू फॉर कांस्टेंट होगा दैट इज गिवन बाय के एच. और एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का के और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो है वो इनवर्सली एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं. ये आपको याद रखना है. ठीक है, दिस इज वन फॉर्मूला. तो आगे कहीं अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि आपको फाइंड करना है व्हाट इज एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट, तो हम उसके लिए क्या फाइंड कर लेंगे, के एच फाइंड कर लेंगे. जैसे ही मुझे के एच मिल जाएगा उसके रेसिप्रोकल से मुझे किसका वैल्यू हो जाएगा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है, अच्छा इस रिएक्शन को आप फर्दर आगे ले जाएं तो यहाँ पर जो आपके पास सॉल्ट बना है वो कौन सा सॉल्ट है, NaCl का सॉल्ट है. NaCl के लिए अगर हम बात करें तो NaCl स्प्लिट हो सकता है Na प्लस में और Cl माइनस में. NaCl एक सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और ऐसे सॉल्ट हमेशा जो है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं. तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ये न्यूट्रल क्यों है. ठीक है, तो लेट अस से कि इसका Na
अगर वाटर के साथ रिएक्ट हो जाए तो Na प्लस किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, H2O के साथ। और रिएक्ट होने पे आपके पास जो चीज़ फॉर्म होगी दैट विल बी वॉट, इट विल बी NaOH प्लस आपके पास फॉर्म हो जाएगा H प्लस आयन। वैसे ही अगर आप Cl माइनस को रिएक्ट करा लें तो Cl माइनस किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, H2O के साथ। और H2O के साथ अगर ये रिएक्ट हो गया तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, आपके पास फॉर्म हो जाएगा HCl प्लस OH माइनस आयन। ठीक है, अगर आपको याद हो तो देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वीक होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो है वो हमेशा क्या होगा, वो भी वीक होगा। और एसिड बेस रिएक्शंस का डायरेक्शन जो है वो हमेशा फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर साइड होता है, फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर साइड। इसका मतलब ये वाला रिएक्शन पॉसिबल है क्या, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ना ही ये रिएक्शन पॉसिबल है। इसीलिए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सोल्यूशन होगा वो हमेशा आपके पास क्या आएगा, न्यूट्रल आएगा, क्योंकि ये दोनों ही कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, एज कि इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो कैसा है, स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक जिसमें हम लोगों ने सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस देखा है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl का, और वीक बेस के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं NH4OH का। मान लीजिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो जाए, तो रिएक्ट होने पे आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं H प्लस होगा और ये क्या है, OH माइनस। तो एक तो आपके पास कंपोनेंट बन गया दैट इज वाटर। सेकेंडली जो हम यहाँ चीज़ देख सकते हैं जो फॉर्म होगी वो होगा NH4 और Cl। तो आपके पास ये दो प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, NH4Cl प्लस क्या फॉर्म हो गया, H2O। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर जो आपके पास सॉल्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज NH4Cl, वो फर्दर स्प्लिट हो सकता है किसके अंदर, वो स्प्लिट हो सकता है NH4 प्लस प्लस Cl माइनस के अंदर। अगर इसका पॉजिटिव पार्ट, इसका पॉजिटिव पार्ट दैट इज NH4 प्लस किसके साथ रिएक्ट कर जाए, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए, तो आपका जो रिएक्शन होगा वो होगा NH4OH और प्लस क्या होगा, एच प्लस। अच्छा, क्या इसका नेगेटिव पार्ट रिएक्ट कर सकता है, तो इसका नेगेटिव पार्ट रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये कहाँ से आया है, HCl से। HCl कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और अगर ये वीक हो जाता है तो हम इसका रिएक्शन आगे फॉरवर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन से हम आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास NH4OH, NH4 प्लस H2O और क्या गिवन है, NH4OH दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम इसके लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिख लेते हैं KH, तो KH किसके बराबर हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ NH4OH इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस और अपॉन आपके पास आ जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस। ये है फर्स्ट पार्ट। आगे बढ़ते हैं, अगर सपोज करो आप कैलकुलेट कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन KH, KW एंड KB, तो एक एक करके हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। KH तो हमने यहाँ निकाल लिया, KH का वैल्यू आपके पास ये रहा। KW दैट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर और वो हमेशा किसके बराबर होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ये स्टेप नंबर हो गया 2। वैसे आप अगर KB निकालने जा रहे हैं दैट इज बेसिक पार्ट, तो यहाँ पर हमारे पास जो बेस था वो क्या था, NH4OH था। तो अगर हम NH4OH के रिएक्शन को लिख दें, स्प्लिटिंग रिएक्शन, तो आपके पास फॉर्म हो जाएगा NH4 प्लस और प्लस क्या फॉर्म हो गया, OH माइनस। इसी के लिए अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ KB का वैल्यू तो वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस OH माइनस अपॉन इट इज कंसेंट्रेशन ऑफ NH4OH। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। अब हम क्या करते हैं ना, स्टेप 1, स्टेप 2 को और स्टेप 3 को डिवाइड करते हैं। इसका मतलब KW को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ,
के बी से डिवाइड कर रहा हूँ, तो हम लिख रहे हैं 2 इज डिवाइडेड बाय 3। तो जैसे ही मैं डिवाइड करूँगा तो न्यूमरेटर में आपके पास वैल्यू आ जाएगा एच प्लस ओ एच माइनस अपॉन, नीचे आपके पास आ जाएगा एन एच फोर प्लस इंटू ओ एच माइनस, और इसके डिनोमिनेटर में आपके पास क्या गिवन है एन एच फोर ओ एच दिया हुआ है, तो मैं अगर उसे ऊपर लिख दूँ तो वो हो जाएगा एन एच फोर ओ एच। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया। हमने इस वैल्यू को यहाँ लिखा है और उसके डिनोमिनेटर को कहाँ शिफ्ट कर दिया, न्यूमरेटर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा वैल्यू कैंसिल हो जा रहा है, ओ एच माइनस का, तो देयरफॉर आपका जो फाइनल वैल्यू बच रहा है दैट इज एच प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एन एच फोर ओ एच अपॉन आपके पास आ जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ एन एच फोर प्लस, ये किसका वैल्यू आ गया, के डब्ल्यू अपॉन के बी। और ज़रा चेक कीजिए ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, दिख रहा है, कैन यू सी। तो देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि के डब्ल्यू अपॉन के बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, के एच के। ठीक है, चलिए आगे एक और रिलेशन हम देखते हैं। ओके, तो अभी हमने ये रिलेशन डिफाइन कर दिया है कि के डब्ल्यू अपॉन के बी किसके बराबर होता है, के एच के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग फर्दर, और अब हम कैलकुलेट करेंगे रिलेशन बिटवीन बिटवीन के एच एंड एच। ठीक है, जैसे एसिड और बेस के टाइम पे हम अल्फा का इस्तेमाल करते हैं जो बताता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वैसे ही हम सॉल्ट के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, एच का। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास अगर आपको फाइंड करना है व्हाट इज एच, तो हम ये ले लेते हैं कि आपका जो एन एच फोर प्लस है वो किसके साथ रिएक्ट कर गया, वाटर के साथ। ठीक है, सॉल्ट का कौन सा पार्ट, पॉजिटिव पार्ट, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ। तो आपके पास जो गिवन सॉल्यूशन है वो हो जाएगा एन एच फोर ओ एच और प्लस क्या फॉर्म हो गया, एच प्लस। ठीक है, इस रिएक्शन को हम कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कह सकते हैं, और जो आपका सॉल्यूशन है वो फाइनली कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अगर हम इनिशियल कंसेंट्रेशन इसका सी ले लेते हैं और इन्हें हम लिख देते हैं निल, आफ्टर सम टाइम ये सी माइनस सी एच हो सकता है, ये हो सकता है सी एच, और ये भी क्या हो जाएगा, सी एच। वाटर के कंसेंट्रेशन की बात नहीं की जा रही है बिकॉज इट इज़ इन एक्सेस, हर आयनिक इक्विलिब्रियम के हर क्वेश्चन में वाटर को हमेशा हम कंसिडर करते हैं, इट इज़ इन एक्सेस फॉर्म। तो अगर आप इसके लिए के एच डिफाइन कर रहे हैं तो के एच का वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, के एच का वैल्यू बराबर होता है कंसेंट्रेशन ऑफ एन एच फोर ओ एच इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस अपॉन इट इज कंसेंट्रेशन ऑफ एन एच फोर प्लस। वैल्यू जो आपके पास है इसकी सी एच है, ये वाली वैल्यू फिर सी एच हो जाएगी, तो हम लिख देते हैं उसे, ये हो गया सी एच इंटू क्या आ गया, सी एच अपॉन, डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू आ गया दैट इज सी माइनस इट इज सी एच, कॉमन आपके पास ये हो जाएगा सी स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे आपके पास कॉमन आ जाएगा वन प्लस एच, तो ये सी और ये सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये किसका वैल्यू है, दिस इज वैल्यू फॉर के एच। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि के एच जो है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर अपॉन इट इज वन माइनस एच। एंड लेट्स से कि हम इफ कंसिडर ये कर लें कि एच का वैल्यू बहुत बहुत छोटा है, किससे, वन से, तो देयरफॉर वन माइनस एच जो है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, वन के। तो देयरफॉर ये रिलेशन हो जाएगा के एच इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर। ठीक है, के एच इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर अपॉन वन आएगा, बट वन लिखने की जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर आपके पास के एच अपॉन सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एच स्क्वायर के। एंड देयरफॉर एच स्क्वायर जो है या एच जो है वो किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ के एच अपॉन सी के। क्या बात क्लियर है? तो अभी मैंने दो छोटे छोटे रिजल्ट्स निकाले जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये हेल्प करेगा हमें ये कैलकुलेट करने के लिए कि इस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। तो फिलहाल हम छोटे छोटे स्टेप्स में उसके डेरिवेशंस कर रहे हैं, आगे जाके आपको एक छोटा सा फॉर्मूला मिलेगा, दैट विल बी फॉर्मूला फॉर पीएच। अब लास्ट हिस्सा, जैसे मैंने आपको बताया हम पीएच कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो पीएच कैलकुलेशन। ठीक है, पीएच के लिए आपको कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस चाहिए रहेगा,
और कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, यहाँ जो हमने रिएक्शन लिखा था उस रिएक्शन से कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस किसके बराबर है, सी एच के। इसी के अंदर मेरे पास सी इंटू एच का वैल्यू जो है वो बाय डेरिवेशन अभी हमें क्या मिला, इट इज़ के एच अपॉन सी, अंडर रूट ऑफ के एच अपॉन सी, तो इट इज़ अंडर रूट ऑफ के एच अपॉन सी। अगर आप इसे कैंसिल आउट कर दें तो आपके पास वैल्यू हो जाएगा इट इज़ अंडर रूट ऑफ के एच इंटू सी, ये किसका वैल्यू आ गया आपके पास, कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस का। और देखिए के एच के लिए हमने एक वैल्यू फाइंड किया था दैट इज़ के डब्ल्यू अपॉन के बी, तो इसका मतलब ये वैल्यू बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ये किसका वैल्यू हो गया, एच प्लस का। ठीक है, मुझे फाइंड क्या करना है, पी एच, तो पी एच के लिए हम क्या करते हैं, पी एच के लिए हम माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस कैलकुलेट करते हैं जो किसके बराबर होता है, पी एच के। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लाना चाहता हूँ या पी एच कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो दोनों तरफ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा। लेट अस से अगर हम लोग लॉग अप्लाई कर दें तो लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस जो है वो बराबर हो जाएगा हाफ लॉग ऑफ के डब्ल्यू प्लस लॉग ऑफ सी माइनस लॉग ऑफ के बी, तो इट इज़ लॉग ऑफ के डब्ल्यू प्लस लॉग ऑफ सी एंड इट इज़ माइनस लॉग ऑफ के बी। साथ ही में आपको क्या चाहिए, माइनस भी चाहिए, तो सपोज़ मैं माइनस से सब जगह मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू हाफ बाहर है, ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ सी और इसके लिए मैं लिख देता हूँ माइनस ऑफ लॉग ऑफ के बी। क्या क्लियर है सबको, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमने सब जगह किससे मल्टीप्लाई कर लिया है, माइनस से। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे लिख सकता हूँ पी एच इज इक्वल टू हाफ, इसे हम लिख सकते हैं पी के डब्ल्यू, जैसे आपने पी एच के लिए फॉर्मूला लिखा है सेम आप किसके लिए लिख सकते हैं, पी के डब्ल्यू के लिए। माइनस आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ सी और ये वैल्यू आपके पास हो जाएगा माइनस ऑफ पी के बी, तो देयरफॉर पी एच के लिए आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। ये है फॉर्मूला फॉर पी एच ऑफ द सॉल्यूशन विच इज ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब क्वेश्चन में आपके पास के डब्ल्यू के बी और सी का वैल्यू दिया होगा, आपको सिंपली क्या करना है, इन वैल्यूज़ को पुट करना है और कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ वैल्यू फॉर पी एच। अच्छा, इस पे बेस्ड अब एक न्यूमेरिकल हम ट्राई करते हैं कि पी एच को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला है पी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस इट इज़ लॉग ऑफ सी, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके पास है, कैलकुलेट पी एच ऑफ द सोल्यूशन ऑप्टेंड बाई मिक्सिंग 200 ml ऑफ 0.1 मोलार NH4OH। ये क्या हो गया, ये आपका वीक बेस हो गया और उसे किसके साथ मिक्स कर दिया है, विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन किसका होगा, इट विल बी ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब भी आपके पास एसिड बेस के क्वेश्चन आ जाए मिक्सिंग ऑफ एसिड बेस के लिए, तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे आप रिएक्शन लिख दें इन दोनों के बीच में जो होगा। तो मान लीजिए HCl रिएक्ट किसके साथ हो रहा है, NH4OH के साथ रिएक्ट हो रहा है, एज अ रिजल्ट हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और आपको क्या फॉर्म होता हुआ दिखेगा, NH4Cl एंड प्लस इट इज H2O। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप क्या करें, नंबर ऑफ HCl जो आपके पास दिया है उसके लिए आप उसके मिलीमोल्स कैलकुलेट कर लें। तो मिलीमोल्स कैलकुलेट करने का तरीका था कि आप उसके मोलार कंसेंट्रेशन को किससे मल्टीप्लाई कर लें, उसकी वॉल्यूम से। इसका मतलब हम यहाँ पर अगर मिलीमोल्स ऑफ HCl कैलकुलेट कर रहे हैं तो बराबर हो जाएगा M1V1 के और दैट इज़ सेम एज, तो M1 के लिए मैं लिख सकता हूँ इट इज़ 0.1 मल्टीप्लाई किससे हो गया, 200 से, तो आपका वैल्यू कितना आ गया, 20। वैसे ही अगर मैं मिलीमोल्स ऑफ NH4OH चेक कर लूँ तो वो भी किसके बराबर हो जाएंगे, दैट इज़ अगेन 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, इसका मतलब वो भी कितना आएगा, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 200, तो हमारा वैल्यू फिर हो जाएगा 20।
ठीक है, तो इसका मतलब इसके मिलीमोल 20 है और इसके भी मिलीमोल्स कितने 20 है। अगर हम रिएक्शन के अंदर यहाँ पर मेंशन कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगा 20 मिलीमोल्स और ये भी कितना हो जाएगा 20 मिलीमोल्स और इनिशियली ये फॉर्म नहीं हुआ है। अगर मुझे ये चेक करना है कि आफ्टर सम टाइम जब रिएक्शन आगे मूव हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं बोथ ऑफ देम वर मिक्स्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन, इसका मतलब ये दोनों रिएक्ट हो जाएंगे कम्प्लीटली और कम्प्लीट होने के बाद आपके पास NH4Cl के कितने मोल्स बन रहे हैं एक, तो हम लिख सकते हैं कि उसके कितने मिलीमोल्स बनेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 20। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि वॉट इज कंसेंट्रेशन ऑफ दिस, तो कंसेंट्रेशन ऑफ NH4Cl जो है वो बराबर हो जाएगा जो भी आपके पास मिलीमोल्स दिए हुए हैं दैट इज 20, उसको आप डिवाइड कर लें टोटल वॉल्यूम से, तो टोटल वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा 200 + 200, दैट इज हाउ मच इट इज इक्वल टू 400। अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास बराबर हो जाएगा 1/20 के। क्या बात क्लियर है? क्यों फाइंड किया हमने इसे? देखिए आपको फाइंड करना है व्हाट इज पीएच, और पीएच के लिए पी के डब्ल्यू तो हमें पता है वो हमेशा 14 होता है। पी के बी का वैल्यू मुझे किससे मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ के बी, जो नहीं है हमारे पास दैट इज सी, दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। तो वो वैल्यू हमारे पास कितना आ गया है NH4Cl का, दैट इज 20, और 20 से हमने कंसेंट्रेशन बता दिया इट इज 1/20। तो देयरफॉर अब अगर मैं NH4+ के कंसेंट्रेशन की बात करूं तो NH4+ का कंसेंट्रेशन क्या होगा, बिकॉज ये सॉल्ट है तो 100% डिसोसिएट होगा, जो जितने भी जो भी कंसेंट्रेशन है सॉल्ट का होगा वो इसके कंपोनेंट्स का होगा, इसका मतलब इसका भी कंसेंट्रेशन आपके पास कितना आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, हम फॉर्मूला लगा देते हैं पीएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू, तो इट इज हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू, व्हाट इज पी के डब्ल्यू, तो उसे हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 14 माइनस पी के बी, पी के बी का वैल्यू कितना हो जाएगा वो इससे आ जाएगा 5, देन इट इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ सी, लॉग ऑफ सी जो है वो क्या होगा, इट इज लॉग ऑफ 1/20। अगर आप इसे रेसिप्रोकेट करते हैं तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ 14 माइनस 5 प्लस ये हो जाएगा लॉग ऑफ 20। इज इट क्लियर? और अगर हम इस वैल्यू को आगे सिंप्लीफाई करें तो लॉग ऑफ 20 को मैं लिख सकता हूँ इट इज 1.3, तो ये हो गया हाफ, ये माइनस करने पे आपके पास वैल्यू बन गया दैट इज 9 और प्लस दिस इज 1.3010। अभी फिलहाल हम उसे क्या कंसिडर कर रहे हैं 1.3। अगर आप इसे ऐड कर लें तो ये 10.3 हो जाएगा, तो दिस इज हाफ ऑफ 10.3। आप कैंसिल आउट कर लें तो ये 2 1 हो गया, ये हो गया 2 5 10.1 और आपके पास 5 आ जाएगा, तो इसका मतलब आपके पास जो पीएच का वैल्यू आ रहा है इस सॉल्यूशन के दैट इज इक्वल टू 5.15। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप पीएच कैलकुलेट कर लें। ओके, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं और अब की बार हम देखने जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो सारी चीज़ें सेम होंगी, जनरल रिएक्शंस वगैरह सारी चीज़ें, मैं थोड़ा सा क्विक जाऊंगा इसके अंदर, ठीक है? तो अगर हम सॉल्ट की बात करें विच इज़ ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक एसिड के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं एसिडिक एसिड CH3COOH और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ NaOH का। तो अगर हम यहाँ पर देख लें तो जो रिएक्शन आपके पास आएगा, रिएक्शन आपके पास हो जाएगा CH3COONa और प्लस आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा H2O। अगेन एक आपके पास सॉल्ट बन गया और एक आपके पास क्या आ गया, वाटर आ गया। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन होगा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है? अगर हम बात कर लें इसके कंसेंट्रेशन की तो इनिशियल कंसेंट्रेशन हम कह देते हैं कि ये दोनों इनिशियल कंसेंट्रेशन हो जाएंगे CNC और इसके इनिशियल कंसेंट्रेशन कुछ नहीं होंगे। थोड़े टाइम बाद क्योंकि ये इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स हुए होंगे इसलिए ये कम्प्लीटली नील हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास सी और सी फॉर्म हो गया, ठीक है? अब अगर मैं सॉल्ट को पिकअप कर लूँ, हमारा सॉल्ट, तो CH3COONa जो है, सोडियम एसीटेट जो है, वो स्प्लिट हो सकता है CH3COO- और प्लस इट इज Na+। तो अगर इसका कंसेंट्रेशन आपके पास C था तो ये भी क्या हो जाएगा, CNC हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? अब इस रिएक्शन से हम ये देख लेते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है दैट इज एसीटेट आयन जो है वो फर्दर जाके वाटर के साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा।
और अगर एसिटेट आयन रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब आपका जो हाइड्रोलिसिस है वो कैसा हो जाएगा, एन आयनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और अगर एनायनिक हाइड्रोलिसिस है तो हम ये कह सकते हैं कि CH3COOH- वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा H2O के साथ, और रिएक्ट होने पे आपके पास जो नया सोल्यूशन बनेगा दैट विल बी CH3COOH दैट इज एसिडिक एसिड, और प्लस आपके पास क्या फाइंड हो गया OH-। तो क्योंकि OH- बन रहा है इसका मतलब आपका सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन जो है वो कैसा हो जाएगा, इट विल बी सोल्यूशन विल बी बेसिक। ये बात यहां तक समझ में आ गई। अब इससे रिलेटेड हम कौन कौन से कॉन्स्टेंट निकाल सकते हैं, तो सबसे पहला कॉन्स्टेंट तो हम यहां पे लिख लेते हैं दैट इज KH, दैट इज हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट। और अगर KH का वैल्यू हम इस रिएक्शन के हिसाब से देखें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू CH3COOH इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज OH- अपॉन आपके पास वैल्यू किसका हो जाएगा, एसिटेट आयन का, दैट इज CH3COOH-। इज इट क्लियर? इसे मैं स्टेप नंबर 1 दे देता हूं। इसी में अगर हम एसिड की बात कर लें दैट इज एसिडिक एसिड, तो CH3COOH वो स्प्लिट हो सकता है किसके अंदर, एसिटेट आयन में CH3COOH- और प्लस क्या हो सकता है H+। इस रिएक्शन के लिए अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो आपके पास जो कांस्टेंट डिफाइन होगा दैट कांस्टेंट विल बी ऑफ Ka, और Ka के लिए हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू CH3COOH- और H+ अपॉन CH3COOH, ये आपका स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। एक और रिलेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज KW के लिए, KW होता है कंसेंट्रेशन ऑफ H+ इनटू इट इज कंसेंट्रेशन ऑफ OH-। इसे मैं स्टेप नंबर 3 ले लेता हूं। तो हमने तीन कांस्टेंट्स निकाल लिए विद द गिवन कंडीशन। ठीक है, अब अगर सपोज करो मुझे रिलेशन बताना है बिटवीन Ka, KW एंड KH, तो जो पहला फॉर्म हमारे पास आ सकता है वो ऐसा हो जाएगा अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं व्हाट इज रिलेशन बिटवीन KH, KW एंड KA। ठीक है, जैसे अभी हमने तीन वैल्यूज यहां निकाल लिए, KH निकाल लिया, KA निकाल लिया और KW निकाल लिया, तो हम क्या करते हैं KW के वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं KA को। तो जैसे ही मैं डिवाइड करता हूं KW दैट इज हाउ मच, इट इज कंसंट्रेशन ऑफ H+ into it is OH- upon Ka, तो Ka value कितना था, Ka का value यहाँ पर लिखा हुआ है, तो Ka आपके बराबर हो जाता है किसके, it is CH3COOH- into concentration of H+, और इसका जो denominator होगा, वो यहाँ पर divide होगा CH3COOH। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगा H+ इंटू OH- अपॉन CH3COOH- इंटू इट इज H+। ये मल्टीप्लाई किससे हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया CH3COOH के साथ मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हिस्सा कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट। तो देयरफॉर हमारा जो रिएक्शन है, जो फाइनल स्टेप अब बच जाता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ OH- मल्टीप्लाइड बाय CH3COOH और अपॉन नीचे आपके पास आ जाएगा CH3COOH। ये किसका वैल्यू आपके पास आ गया, दिस इज वैल्यू फॉर KW अपॉन Ka। और वापस से आप चेक कीजिए, ये जो हिस्सा है ये हम यहां लिख चुके हैं, एसिडिक एसिड मल्टीप्लाइड बाय OH- अपॉन इट इज एसिटेट आयन जो यहां पर आपको मिल गया। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू KH। और फाइनली हमारे पास रिलेशन हो जाता है कि KH जो है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू KW अपॉन इट इज KA।
ये क्लियरली समझ में आ गया सबको। आगे हम बढ़ते हैं इसी के अंदर और अब चेक करते हैं व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन के एच एंड एच। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन के एच एंड एच। के एच दैट इज हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के लिए हम कौन से पार्ट को पिकअप कर लेंगे, तो रिएक्शन जो हमने प्रीवियसली लिखा था जिसके अंदर कौन सा आयन रिएक्ट हो गया था, एसीटेट आयन हमारा रिएक्ट हुआ था, दैट वॉज सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस। किसके साथ रिएक्ट हो गया था, वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्ट होने पे आपके पास जो रिएक्शन हुआ था दैट वॉज सी एच थ्री सी डबल ओ एच और प्लस क्या फॉर्म हो गया था, ओ एच माइनस। ठीक है, अच्छा सी एच माइनस का जो कंसंट्रेशन हम ले सकते हैं इनिशियली उसे मैं सी कंसिडर कर लेता हूँ और ये इनिशियल लेवल्स पे कुछ भी नहीं होंगे। थोड़े टाइम बाद हम ये देख सकते हैं ये सी माइनस सी एच हो जाएगा और ये दोनों जो है वो सी एच और सी एच फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, होप ये क्लियर है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा लिख देता हूँ, सी एच थ्री सी ओ ओ एच और प्लस क्या फॉर्म हुआ है, ओ एच माइनस फॉर्म हो गया। ठीक है, अच्छा अब अगर आप के एच लिखते हैं तो के एच किसके बराबर है, के एच बराबर है सी एच थ्री सी डबल ओ एच इंटू ओ एच माइनस अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, अपॉन आपके पास आ जाएगा सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस। इज इट क्लियर, ये के एच का वैल्यू हम पहले भी लिख चुके हैं, इट इज ओवर हियर एज वेल। ठीक है, अच्छा के एच के लिए बाद आप क्या करें, इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दें। तो अगर मैंने इन वैल्यूज को पुट कर दिया तो सी एच का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, दिस इज सी एच मल्टीप्लाइड बाय सी एच अपॉन आपके पास हो जाएगा सी माइनस सी एच। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर कॉमन आ रहा है सी और इन दोनों में से आप सी स्क्वायर और एच स्क्वायर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन आपके पास हो जाएगी सी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन सी टाइम्स ऑफ वन माइनस एच, ये सी और ये सी कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर आपके पास जो वैल्यू फॉर के एच आ जाता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज एच स्क्वायर अपॉन वन माइनस एच। अगेन हम कंसिडर करते हैं कि ये जो सॉरी दिस इज सी, हम कंसिडर करते हैं कि एच का वैल्यू वन से बहुत बहुत छोटा है, तो देयरफॉर हमारा वन माइनस एच का वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि के एच किसके बराबर हो गया, इट इज सी एच स्क्वायर के बराबर हो गया। और अगर के एच का वैल्यू सी एच स्क्वायर के बराबर है इसका मतलब एच का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के एच बाय सी। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट रिलेशन है। अब आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज पी एच ऑफ द रिएक्शन। जैसे अगर मुझे पी एच कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन ऑफ पी एच हम कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ पी एच में हम दो छोटे डेरिवेशन जो इससे पहले मैंने लिखे हैं उसके रिजल्ट्स का यूज़ करेंगे। के एच आपके पास के डब्ल्यू अपॉन ए आ गया था, एच का वैल्यू आपके पास आ गया था के एच अपॉन सी। नाउ जस्ट सी के आप जो ऐसे सिर्फ सॉल्ट की बात करें वो सॉल्ट है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका मतलब आपका जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। बेसिक होगा इसलिए मैं ओ एच माइनस का वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ और ओ एच माइनस का कंसनट्रेशन बाय लिखा जाएगा सी एच, जिसमें एच मेरे पास कितना है, इट इज़ अंडर रूट ऑफ के एच अपॉन सी। अब अगर आप इसे डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के एच इंटू सी, ये किसका वैल्यू आ गया, कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस। अच्छा व्हाट इज के एच, तो के एच अभी हमने निकाला इट इज के डब्ल्यू अपॉन ए, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के एच की जगह पे क्या आ जाएगा, के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू अपने पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन। अच्छा मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे पी एच कैलकुलेट करना है और पी एच कैलकुलेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओ एच को ओ एच का यूज़ करके किसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस का, वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस विच इज सेम एज के डब्ल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू इट इज सी। ठीक है, ये वैल्यू हमने ओ एच का यहाँ से पिक करके यहाँ लिख दिया।
अब अगर आप देख रहे हैं इसको तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, हम इसे लिख सकते हैं इट इज़ के डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा के ए अपॉन के डब्ल्यू इन टू सी, दिस इज अंडर रूट। अब अगर आप ये दोनों को कैंसिल कर दें तो ये वाला वैल्यू रूट के अंदर आ जाएगा, इसका मतलब आपके पास वैल्यू क्या हो गया, एच प्लस का जो कंसनट्रेशन है वो आपके पास बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू, ठीक है, इन टू के ए अपॉन इट इज सी, या आपके पास किसका वैल्यू आ रहा है, कंसनट्रेशन ऑफ एच प्लस का। अच्छा, एक बार अगर मेरे पास कंसनट्रेशन ऑफ एच प्लस आ गया तो हम लॉग अप्लाई करके किसे फाइंड कर सकते हैं, पी एच को, तो लेट अस से हम इस पर लॉग अप्लाई कर दें, ये हो जाएगा लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ एच प्लस इक्वल किसके हो गया, हाफ ऑफ लॉग ऑफ के डब्ल्यू प्लस इट इज लॉग ऑफ के ए एंड माइनस इट इज लॉग ऑफ सी, ठीक है। अच्छा, लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ एच प्लस जो है वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू पी एच। वैसे अगर आप पी के डब्ल्यू की बात करें तो वो बराबर होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ के डब्ल्यू, और पी के ए जो है वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ के ए। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि हमारे पास तीनों वैल्यूज आ रही हैं, कंसनट्रेशन ऑफ एच प्लस का भी लॉग दिया हुआ है, के डब्ल्यू का भी लॉग दिया हुआ है, और के ए का भी लॉग आपके पास आ रहा है, ठीक है। हम सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ही मैं सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो हमारा नेक्स्ट लाइन हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ के सॉरी एच प्लस, दिस इज सेम एज हाफ ऑफ माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, देन दिस विल बिकम माइनस ऑफ लॉग ऑफ के ए एंड दिस वैल्यू विल बिकम प्लस लॉग ऑफ सी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो गया, तो नेक्स्ट लाइन में मैं ऐसे लिख सकता हूँ दिस इज पी एच, ये क्या हो जाएगा, पी एच हो जाएगा बाय दिस फॉर्मूला, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू जो है वो किसके बराबर होता है, पी के डब्ल्यू के, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस लॉग ऑफ के ए माइनस लॉग ऑफ के ए, माइनस लॉग ऑफ के ए किसके बराबर होता है, पी के ए के, तो प्लस पी के ए आ जाएगा और माइनस आपके पास क्या बच जाता है, लॉग ऑफ सी। तो ये है पी एच का फॉर्मूला फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वाइज अगर मुझे देखना है तो मुझे सिर्फ फॉर्मूले याद होना चाहिए, इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले याद करना एक बड़ा अचीवमेंट है। डेरिवेशन तो हम इसलिए याद रखते हैं ताकि कभी अगर हम भूल गए तो हम उसे डिराइव कर सकते हैं, बट इतना टाइम तो आपके पास होता नहीं है। तो अल्टीमेट जो आपका टारगेट इस चैप्टर में होगा वो ये है कि आपको फॉर्मूलाज को क्या करना है, याद करना है। डेरिवेशन से हमारा बेस थोड़ा बेटर हो जाता है और इजीली हमें समझ में आता है कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इस पर हम ट्राई करते हैं, जस्ट टेक अ करेक्शन, इट इज प्लस लॉग ऑफ सी, है ना, मैंने माइनस लिख दिया था, आप उसे प्लस कर देना। अच्छा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट पी एच ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ml ऑफ 0.1 मोलार एसिटिक एसिड एंड 50 ml ऑफ 0.2 मोलार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा CaOH twice और Ka आपके पास दिया हुआ एसिटिक एसिड का, दैट इज इक्वल टू 10^-5। तो जैसे हमने प्रीवियसली भी देखा KW तो डायरेक्ट आ जाता है, Ka भी क्वेश्चन में दिया होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किसको फाइंड करना पड़ता है, C एंड व्हाट इज C, C इज कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, रिएक्शन में रिएक्ट कौन हो रहा है, एसिडिक एसिड CH3COOH किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, CaOH twice के साथ रिएक्ट हो रहा है। अगर आप इन दोनों को रिएक्ट करते हैं तो आपके पास जो नया कंपाउंड फॉर्म होगा, जो सॉल्ट फॉर्म होगा, दैट विल बी CH3COOH twice and Ca, ठीक है। ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव के साथ लग जाएगा और ये प्लस चला जाएगा किसके साथ, H2O के साथ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कंपोनेंट फॉर्म होने वाला है दैट इज़ वाटर, मैं उसे इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास अगर एसिड बेस दे दिया जाए तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम किसे कैलकुलेट कर लें, मिलीमोल्स को। तो अगर हम एसिडिक एसिड की बात करें तो उसका M1 जो है वो ये है, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। तो अगर हम एसिडिक एसिड के मिलीमोल्स की बात करें
तो डेट इज 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 200, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मिलीमोल्स ऑफ एसिडिक एसिड, वो बराबर हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 200 विच इज सेम एज 20। वैसे ही अगर आप मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH ट्वाइस फाइंड कर ले, तो वो बराबर हो जाएगा M2 into V2, मतलब दैट इज 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर लें तो 5 2 10 हो जाएगा और एक जीरो और पॉइंट आएगा एक डिजिट के बाद, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। अब रिएक्शन के अंदर आपके पास जो गिवन वैल्यू आ गए, तो ये वैल्यू इसका मिलीमोल आपके पास 20 आ गए, इसके मिलीमोल आपके पास क्या आ गए, 10 आ गए। ठीक है, क्या आपका रिएक्शन बैलेंस है? अगर आप देखें तो देखिए एसिटेट आयन यहाँ एक है और यहाँ कितने हो गए, 2, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से। जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एसिटेट आयन जो है वो बैलेंस हो गया, सी ए ऑलरेडी बैलेंस था और वाटर मॉलिक्यूल आपके पास जो है वो फॉर्म होने वाला है। ठीक है, अच्छा इनिशियल कंसंट्रेशन इसका क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा एक और चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ, 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो 1 मोल ऑफ CaOH2 से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो अगर हम रिएक्शन की बात करें तो कम्प्लीटली ये तो ख़त्म हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, बिकॉज इक्वल प्रोपोर्शन में जब भी मिक्स होंगे सॉल्ट सॉरी एसिड एंड बेस, तो कम्प्लीटली क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। कितना सॉल्ट बन जाएगा, तो इसके 2 मोल और इसके 1 मोल रिएक्ट होने पे 1 मोल ऑफ सॉल्ट बन रहा है। तो देयरफॉर आई कैन से कि कितने मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, बिकॉज 1 मोल इज 10, अगेन 1 मोल इसका भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो सॉल्ट का भी 1 मोल कितना हो जाएगा, इट इज 10। ये क्लियर हो गया। अब अगर मुझे चाहिए व्हाट इज कंसेंट्रेशन ऑफ आर एसिड सॉरी सॉल्ट, तो CH3COOH CA का जो कंसेंट्रेशन आपके पास होगा दैट विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय V1 + V2, मतलब दोनों वॉल्यूम्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो अगर हमने दोनों वॉल्यूम्स को ऐड कर लिया तो दैट इज 200 + 50, वो वैल्यू आपके पास हो जाएगा 10/250। आप अगर इसे कैंसिल कर लें तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1/25। दिस इज योर कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एसिटेट CH3COOH2 CA। ठीक है, अब मुझे सॉल्व करने के लिए सिर्फ ये चाहिए था जिसका कंसेंट्रेशन कितना आ गया, 1/25। तो देयरफॉर आपका pH का जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ PKW, जो है वो कितना हो जाता है, दैट इज 14 प्लस PKa। तो यहाँ से Ka का वैल्यू कितना है, 10^-5, तो PKa का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 5 एंड प्लस दिस इज log ऑफ C, तो log ऑफ कंसेंट्रेशन दैट इज log ऑफ 1/25। log ऑफ 1/25 के लिए मैं इसे रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, जैसे ही मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। तो आपके पास नेक्स्ट लाइन में आ गया है ये हाफ, ये 14 + 9 माइनस log ऑफ 25, और log ऑफ 25 को फाइव का स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसका मतलब नेक्स्ट लाइन में आपके पास जो वैल्यू आ जा रही है सॉरी ये हो जाएगी 19 माइनस दिस विल बिकम 2 log of 5। ठीक है, 5 स्क्वायर था उसे हमने लिख दिया 2 log of 5, तो ये हो जाएगा हाफ, ये आ गया 19 माइनस 2 log of 5। log ऑफ 5 को हम अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं 0.7। ठीक है, तो दिस इज सेम एज 1/2, दिस इज 19 माइनस 2 times ऑफ दिस विल बिकम 1.4। अब अगर मैं माइनस कर लूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 17.6। ठीक है, दिस विल बिकम 17.6, तो pH वी कैन से इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 17.6। फर्दर आप अगर डिवाइड कर दें तो ये 1 हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2 8 16, 1 कैरी तो 8, तो आपका pH का वैल्यू हो गया 8.8। ठीक है, होप आपको क्लियरली समझ में आ गया कि हाउ टू कैलकुलेट द pH ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अगेन एंड अगेन मैं सेम चीज़ लिख रहा था, सो आई थॉट कि ये थोड़ा इजी हो जाएगा।
देखिए आपके पास दो चीजें हैं, एक तो वीक एसिड आ गया जिसको हमने एसिडिक एसिड ले लिया, और एक वीक बेस ले लिया दैट इज NH4OH। अगर मैं इन दोनों को रिएक्ट कर लूँ तो रिएक्ट करने पे मेरे पास अमोनियम एसिडेट और वाटर बन जाएगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर इस रिएक्शन को हम देख रहे हैं तो ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जो सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो कौन सा है? अमोनियम एसिडेट है। इसके अगर डिसोसिएशन की हम बात करें तो ऐसा हो जाएगा। आगे अगर मैं चाहूँ जर्नल रिएक्शन देखना, तो क्योंकि यहाँ पे दो ऐसे आयन्स बन रहे हैं जो दोनों ही वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, तो आपका जो सोल्यूशन है वो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। यहाँ पे तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, ठीक है। लेट अस से जर्नल रिएक्शन में अगर हम कहें कि एसिटेट आयन जो है वो पानी के साथ रिएक्ट कर जाए, तो आपके पास एसिडिक एसिड और प्लस OH माइनस के आयन्स बन सकते हैं, मतलब आपका सोल्यूशन जो है वो बेसिक हो सकता है। अगर हमने NH4 प्लस और H2O को रिएक्ट कर लिया तो NH4OH और प्लस H प्लस बन गया आपके पास, तो आपके पास पॉजिटिव आयन आ रहा है, तो सोल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है। ओवरऑल रिएक्शन हम देखें अगर, तो आपके पास ये रिएक्शन में H2O, यहां से H2O कैंसिल हो जाएगा, ये H2O अगर मैं नहीं लिखूं तो आपके पास ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा CH3COO माइनस, आपके पास आ जाएगा NH4OH और आपके पास आ गया CH3COO, है ना। तो यहाँ पर हमने ये रिएक्शन लिख दिया है। अगर सपोज करो मैं इस रिएक्शन के लिए KH लिख रहा हूँ, अगर मैं इस रिएक्शन के लिए KH लिख रहा हूँ, तो KH का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COOH इनटू दिस विल बिकम NH4OH अपॉन आपके पास आ जाएगा एसिटेट आयन दैट इज CH3COO माइनस, आगे आपके पास आ जाएगा इट इज कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस। तो ये वैल्यू हो गया आपके पास, दैट इज वैल्यू फॉर KH। अगर मैं KW लिख दूं तो KW किसके बराबर हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। साथ ही हम KA भी लिख लेते हैं। KA मतलब एसिड का रिएक्शन है, तो एसिड यहाँ पे जो इन्वॉल्व था वो कौन सा था? एसिडिक एसिड। और एसिडिक एसिड के लिए अगर मैं डिसोसिएशन लिखना चाह रहा हूँ तो डिसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड हो जाएगा CH3COOH, जो स्प्लिट हो जाएगा किसके अंदर? एसिटेट आयन CH3COO माइनस और प्लस एच प्लस के अंदर। तो KA का वैल्यू आपके पास यहाँ पर हो जाता है KA इज इक्वल टू CH3COO माइनस इंटू इट इज एच प्लस, और नीचे आपके पास आ जाएगा CH3COOH। वैसे अगर हम लोग वैल्यू फॉर KB भी लिख लें, बेस विच इज इन्वॉल्व, तो बेस आपके पास क्या दिया हुआ है? बेस है NH4OH। तो KB का वैल्यू अगर हम रिएक्शन वाइज लिखें तो NH4OH जो है वो स्प्लिट हो जाएगा किसके अंदर? वो स्प्लिट हो जाएगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस के लिए, ठीक है। रूटीन काम हम वही कर रहे हैं, पहले KH निकालते हैं, फिर KW निकालते हैं, फिर KA, और अब क्या निकाल रहे हैं? KB। तो KB का वैल्यू आपके पास हो जाता है इट इज इक्वल टू NH4 प्लस का कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस का कंसेंट्रेशन, और अपॉन आपके पास आ जाएगा NH4OH, ठीक है। मैं इसे स्टेप नंबर 2, 3 और 4 लिख देता हूँ, ठीक है। अगर हम KW से डिवाइड कर दें इन दोनों के प्रोडक्ट को, तो आपके पास रिलेशन बन जाता है फ्रॉम 1, 2 एंड 3 एंड 4 कि KH जो है वो बराबर हो जाता है KW अपॉन KA इंटू KB के, ठीक है। ये रिलेशन आपके पास फॉर्म हो जाता है। क्या रिलेशन बन जाएगा? KW अपॉन KA इंटू KB। कब? जब हम इन स्टेप्स को डिवाइड कर दें। KW को किससे डिवाइड कर दें? KA और KB से, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं। आगे हम बढ़ जाएं और अगर मैं रिलेशन बिटवीन H एंड KH चेक करें, तो आपके पास आयन्स यहाँ पर हैं CH3COO माइनस, आपके पास एक और आयन है दैट इज NH4 प्लस, और ये अगर वाटर के साथ रिएक्ट हो गया तो आपके पास जो ओवरऑल रिएक्शन बनता है, एक तो NH4OH फॉर्म हो जाता है और एक CH3COOH फॉर्म हो गया। ये है इसका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अब इस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग कंसिडर कर लें कि ये C था, ये वाला वैल्यू C था, और इनिशियली ये दोनों कुछ भी नहीं थे, आफ्टर सम टाइम ये C-CH हो जाएगा, ये भी C-CH हो जाएगा, और ये दोनों आपके पास CH-CH फॉर्म हो जाएंगे। तो KH अगर हम लिखें दैट इज NH4OH मल्टीप्लाइड बाय
CH3COOH और ये डिवाइड हो जाए किससे, ये डिवाइड हो जाए एसिटेट आयन CH3COO- इनटू इट इज NH4+। तो अगर आपने वैल्यू पुट कर दिया तो NH4OH का जो वैल्यू है वो आपके पास कितना आ गया, इट इज CH। CH3 एसिटिक एसिड का आपके पास जो वैल्यू आ गया दैट इज CH और ये हो गया C-CH और C-CH। तो मैं जब वैल्यूज पुट कर दूं तो CH मल्टीप्लाइड बाई CH हो गया, नीचे आपके पास C-CH और ये C-CH आ गया। आप अगर सिंप्लीफाई कर दें इसको तो ये हो जाएगा C²H² अपॉन, नीचे देखिए इसमें से भी C कॉमन आ सकता है, इसमें से भी C कॉमन आ सकता है, इसका मतलब कि C² हो जाएगा और 1-H द होल स्क्वायर बच गया, तो C², C² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर आपके पास जो KH का वैल्यू यहाँ पर बन रहा है दैट इज H² अपॉन 1-H द होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला डेरिवेशन और ये वाला डेरिवेशन का हम इस्तेमाल करते हैं और कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज वैल्यू फॉर pH। तो ये दो रिलेशंस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए हैं KH के लिए, अब हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज डेरिवेशन ऑफ pH। तो डेरिवेशन ऑफ pH में हम Ka का रिलेशन ले लेते हैं, Ka किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम एसिडिक एसिड की बात करें तो वो डिसोसिएट होगा किसके अंदर, तो रिएक्शन लिख देता हूँ पहले मैं, CH3COOH अगर वो स्प्लिट हो रहा है तो CH3COO- एसिटेट आयन और प्लस आपके पास H+ फॉर्म हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर Ka हमने लिख दिया तो Ka बराबर हो जाएगा एसिटेट आयन CH3COO- इनटू आपके पास आ जाएगा H+, जो डिवाइड किससे हो रहा है, इट इज़ डिवाइडेड बाय CH3COOH। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एसिटेट आयन जो है उसका कंसेंट्रेशन हमने देखा था इट इज़ C-CH, H+ जो है उसका कंसेंट्रेशन हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ इक्वल टू, ठीक है, H+ जो है उसे एज इट इज रखते हैं। एसिटिक एसिड की अगर हम बात कर लें, एसिटिक एसिड तो उसका कंसेंट्रेशन आपके पास है CH, तो इसका मतलब आपके पास क्या बच जाएगा, Ka जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू C-CH मल्टीप्लाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ H+ डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड का जो कंसेंट्रेशन आपके पास है दैट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू CH। आप C कॉमन ले लो, ऊपर से C कॉमन लेने पे 1-H हो गया, ये हो गया आपके पास H इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ H+। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट इज़ 1-H अपॉन H आ गया। अब ये रिलेशन देखें तो हम लिख सकते हैं Ka जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, H अपॉन 1-H, ये किसके बराबर है, H+ के कंसेंट्रेशन के। कैन यू सी, नाउ सी दिस, H अपॉन 1-H और दोनों का स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर इस वैल्यू को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, इस वैल्यू को अगर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ तो क्या हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ KH जो है ना, इससे स्क्वायर रूट ऑफ KH जो है वो H अपॉन 1-H के बराबर हो जाएगा। और अगर वो 1-H के बराबर हो गया तो इसका मतलब K जो है वो मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर रूट ऑफ KH से, ये किसका वैल्यू आ गया आपके पास, कंसेंट्रेशन ऑफ H+ का। इज इट क्लियर एवरीवन, ये यहाँ से पिकअप कर लिया। KH खुद क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि KH है KW अपॉन K इंटू KB, तो देयरफॉर H+ का जो कंसेंट्रेशन है आपके पास वो हो जाएगा Ka मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ Ka अपॉन इट इज सॉरी KW अपॉन इट इज K इंटू KB। आप ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं तो अगला वैल्यू आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ Ka इंटू, ये आपके पास हो गया KW और अपॉन आपके पास आ गया KB, दिस इज कंसेंट्रेशन ऑफ H+। बस अब मेरे पास अगर कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आ जाता है तो हम दोनों तरफ लॉग अप्लाई करके किसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू फॉर pH। ठीक है, मैं इसे रेज कर देता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं अगर हमने लॉग ऑफ pH कैलकुलेट कर लिया दैट इज लॉग ऑफ H+ निकाला तो बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ, दिस इज लॉग ऑफ Ka प्लस इट इज़ लॉग ऑफ KW एंड इट इज़ माइनस लॉग ऑफ KB। ठीक है, अब सब तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ H+ हो जाएगा, ये प्लस इक्वल टू हो गया आपके पास हाफ ऑफ माइनस ऑफ लॉग ऑफ Ka माइनस प्लस ऑफ माइनस ऑफ लॉग ऑफ KW माइनस ऑफ माइनस लॉग ऑफ
के बी हमने सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, कैन यू सी दिस। अच्छा ये साइंस हमने चेंज नहीं की, बाहर ही रखा और अंदर के वैल्यू को माइनस से ले लिया, इस साइन को भी वैसे ही रहने दिया और इसको किससे मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस से। ये हो जाएगा आपके पास पी एच, ये बराबर हो गया हाफ, ये हो जाएगा पी के ए प्लस ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा पी के डब्ल्यू और माइनस आपके पास वैल्यू आ जाएगा पी के बी। ये है आपके पास फॉर्मूला फॉर पी एच कैलकुलेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो इट्स वेरी सिंपल। अब जैसे मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल्स में आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं हर वैल्यू आपके पास कॉन्स्टेंट दिया हुआ है जो क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है, और अगर कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं तो पी के ए पी के डब्ल्यू और पी के बी निकालना बड़ा आसान हो जाता है। आप एक बार वैल्यू सब्सटीट्यूट करें और आपके पास वो आंसर आ जाएगा। तो यू ट्राई सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। हम कुछ क्वेश्चंस की एक वीडियो नहीं बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। थैंक यू।